हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। SBI सिक्योरिटी के वीकली रैप पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं इस सप्ताह में मार्केट कैसा रहा। तो दोस्तों, मार्केट जो है पूरे सप्ताह में वोलेटाइल रहा और फाइनली अगर मैं बात करूँ निफ्टी 50, मिड कैप और NSE 500 के, तो सारे ही इंडाइसेस जो है नेगेटिव में बंद हुए हैं 0.4% से 0.7% के बीच में। जो दो बड़े फैक्टर्स रहे हैं मार्केट डिक्लाइनिंग में, वो थे हमारे कंपनियों के मिक्स अर्निंग्स और FII की सेलिंग। तो अगर आप देखेंगे जो रिजल्ट जो डिक्लेयर हुए हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, हैवेल्स, पॉलीकैप, इन्फोसिस, नेस्ले, बजाज ऑटो, एक्सिस बैंक का नंबर तो अच्छा था, लेकिन बाकी जो कंपनियों के रिजल्ट आए हैं वो उम्मीद से या तो कम थे या तो उनका आउटलुक उतना अच्छा नहीं रहा। एंड दैट्स वाई वी सॉ दी इम्पैक्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द एंटायर मार्केट। अगर मैं बात करूं FII सेलिंग की, तो यहाँ पे FII अक्टूबर महीने से ही लगातार सेलिंग कर रहे हैं। इस सप्ताह में करीब 21,000 करोड़ रुपए की सेलिंग की है और मंथ टू डेट दी सेलिंग करीब 83,000 करोड़ रुपीज़। हालांकि DIIs ने कुछ हद तक इसकी भरपाई की है, बट दैट वाज नॉट इनफ टू सेव आवर मार्केट फ्रॉम डिक्लाइनिंग। इन द लास्ट 3 वीक वी सॉ मार्केट यू नो क्लोजिंग ऑन द लोअर साइड। For the entire week, if you look at the BSE auto was the biggest loser, closing 4.3% lower. This is partially or other, I would say the biggest reason behind that was the weak set of number from Bajaj Auto and the subdued outlook in the near term. Other development that was to be tracked for the current week was APM, Administered Price Monitoring, has slashed the gas supply to city gas distribution companies. इससे होगा क्या कि अगर गैस की सप्लाई अगर कम होती है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, तो उनको वो उस सप्लाई को भरपाई करने के लिए उनको अब ओपन मार्केट से लेना पड़ेगा गैस, जो कि हायर प्राइस पे आता है। सो, कुछ हद तक इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा अगर वो हाइक नहीं कर पाए अपने गैस के प्राइसेस को। उसके उलट कुछ कंपनियाँ जिन्होंने अच्छे रिजल्ट डिक्लेयर किए, जैसे एंजल वन, HDFC, AMCs, तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा जो है जो ब्रोकिंग कंपनीज हैं। फ्रेंड्स, इन द एंटायर वीक विद इन द निफ्टी 500 यूनिवर्स 260 कंपनी मैनेज टू क्लोज इन ग्रीन, वाइल 236 कंपनीज आर विंडेड इन ऑन अ लोअर साइड। आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियां थी जो इस सप्ताह में फोकस में रहीं। तो पहले बात करते हैं इरकॉन इंटरनेशनल को। तो यहाँ पे इरकॉन इंटरनेशनल ने एक MOU साइन किया हुआ है पटेल इंजीनियरिंग के साथ में, और यहाँ पे कंपनी इंफ्रा प्रोजेक्ट डेवलप करेगी इंडिया एंड ओवरसीज मार्केट में। पॉजिटिव है कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में। अल्ट्राटेक सीमेंट ने कहा है कि उन्होंने 1.2 मिलियन मेट्रिक टन का ग्राइंडिंग कैपेसिटी जो है स्टार्ट किया हुआ है तमिलनाडु में, ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। हनीवेल ऑटोमेशन ने कहा कि कंपनी हैज़ रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड द एयर फील्ड ग्राउंड लाइटिंग सिस्टम फॉर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर कंपनी इन लॉन्ग टर्म। And Bikaji Foods, the company has acquired 53% stake in Hazelnut Factory Foods for consideration of 131 crore rupees. ये company के लिए positive है long term में। And finally, Oriana Power को एक 75 megawatt का solar project के लिए order मिला था, जिसकी value 375 crore rupees की है। ये company भी सप्ताह में focus में रही। दोस्तों, आइए अब देखते हैं ऐसी कौन सी companies हैं जिनको इस सप्ताह में orders मिले हैं। तो पहले बात करते हैं L&T की। तो यहाँ पर कंपनी को 1,000 से 2,500 करोड़ रुपए के बीच में ऑर्डर मिला हुआ है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से, ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। प्रीमियर एनर्जीज हैज़ गॉट अ ऑर्डर ऑफ 765 करोड़ रुपीज फ्रॉम मल्टीपल क्लाइंट्स। BEML हैज़ गॉट 867 करोड़ रुपीज ऑफ ऑर्डर फ्रॉम इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री फ्रॉम चेन्नई, तो इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर BEML। वाटेक वाबग हैज़ गॉट 1,000 करोड़ रुपीज ऑफ ऑर्डर फ्रॉम इंसोल सोलर प्राइवेट लिमिटेड। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन है रिसीव्ड 1,032 करोड़ रुपीज ऑफ ऑर्डर फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एंड अशोका बिल्डकॉन हैज़ गॉट एन ऑर्डर ऑफ 1,127 करोड़ रुपीज फ्रॉम BEMC। सो ऑल दीज कंपनीज वर इन फोकस बिकॉज ऑफ द ऑर्डर इनफ्लो फॉर दोज कंपनीज। फ्रेंड्स, इस सप्ताह में हमने एक कंपनी पे रिपोर्ट रिलीज किया है, वो है PN गार्डगिल ज्वेलर्स इन आवर पिक ऑफ द डे प्रोडक्ट। 759 का हमने प्राइस पर रिकमेंड किया हुआ और 875 का टारगेट है। सो PN गार्डगिल बेसिकली एक सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज प्लेयर है ज्वेलरी मार्केट के अंदर। महाराष्ट्र में इनका अच्छा खासा प्रेजेंस है। कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और अर्निंग ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का। सो वी बिलीव दैट
दिस कंपनी इज़ गोइंग टू डू वेल, तो हमने इसको रिकमेंड किया हुआ है। 759 का हमारा रिकमेंडेड प्राइस है और 875 का टारगेट है। नाउ लेट्स लुक एट दी आउटलुक फॉर द नेक्स्ट वीक। सो नेक्स्ट वीक अर्निंग विल रिमेन फोकस एरिया फॉर आवर मार्केट। तो अगले सप्ताह में बहुत सारे ऐसे हैवी वेट्स हैं, जैसे HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, टेक महिंद्रा, अल्ट्रा टेक सीमेंट, जोमैटो, कोल इंडिया, हिंदुस्तान लीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फिनसर्व, पीडलाइट इंडस्ट्रीज, ITC, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। सो ऑल दिस कंपनी बी डिक्लेयरिंग देयर सेकेंड क्वार्टर FY25 रिजल्ट्स। एंड ऑल्सो लेट्स नॉट फर्गेट दैट हुंडई द लार्जेस्ट IPO इन टर्म्स ऑफ साइज इज गोइंग टू गेट लिस्टेड। तो इस पे भी बाजार का फोकस जो है रहने वाला है। US के मार्केट से जॉबलेस क्लेम के डेटा आएंगे, तो यहाँ पर भी एक फोकस जो है वो रहने वाला है। फ्रेंड्स, पूरा रिपोर्ट पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं। द रिपोर्ट इज देयर यू नो ऑन आवर वेबसाइट, यू कैन डाउनलोड एंड द रिटेल एंड रीड इट इन डिटेल। वी हैव कवर मेनी अदर यू नो एरियाज इन द इन आवर रिपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट एक्शंस, which means that company who was going to come out with the dividend, bonuses or stock split, all data is captured in that particular report. So I would request all of you to go to our website and download and read it in detail. So friends, that's all from our side. This is our weekly wrap podcast. Thanks for listening and I wish you all the best for next week's trade. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.